हेलो दोस्तों, अगर आप 10,000 की रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10,000 की रेंज में आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। और जितने भी स्मार्टफोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी में आपको मल्टी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 mAh से ज़्यादा की बैटरी, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस और बड़ा स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग के अकॉर्डिंग 5th नंबर पर है माइक्रोमैक्स N2B। इस स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। ये स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आता है। यहाँ पर आपको 13 MP प्लस 2 MP डुअल प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसी के साथ फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर 5 MP का मिल जाता है। आजकल स्मार्टफोन्स में बैटरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। पहला है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इस स्मार्टफोन में यूनिसॉक कॉर्टेक्स A75 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और साथ ही फेस ID का भी सपोर्ट मिलता है। और इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह के ब्लोटवेयर्स या फिर एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, और इस स्मार्टफोन को नो हैंग फोन भी कहा जाता है। तो अगर आप डे टू डे यूज़ के लिए एक स्मार्टफोन चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 4th नंबर पर आता है Redmi 9 Prime या फिर Poco M2। ये दोनों ही स्मार्टफोन 4th नंबर पर इसलिए रखे हैं क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सिमिलर हैं। इनकी सारी स्पेसिफिकेशन से लेकर डिज़ाइन तक बिल्कुल सेम टू सेम है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। ये स्मार्टफोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं, जिसमें आपको 13+8+5+2 MP प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 MP का मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। इन स्मार्टफोन्स में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और साथ ही बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 10,000 की रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर है। 3rd नंबर पर आता है Narzo 30A। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और साथ ही आपको 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 13 MP प्लस 2 MP डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 MP का है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 10,000 की रेंज में एक बेस्ट प्रोसेसर है। 2nd नंबर पर आता है माइक्रोमैक्स N Note 1। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये एक इंडियन ब्रांड है। साथ ही ये आता है 6.6 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो ये स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट प्रोसेसर है। प्राइमरी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 48 MP के साथ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 MP का आता है। अगर बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 1st नंबर पर आता है Infinix Hot 10S। अगर आपको बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इसमें आपको 6.8 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको पीछे 48 MP के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और 8 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो ये स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट प्रोसेसर है। इन सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।